لا شريك لك نبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نبي لبيك اللهم لبيك. نعم لوك चल रहे हैं, निकल रहे हैं और जो बाता जाएंगे, बाता से उमरा के लिए बस निकलेगी, ठीक है। 12 बजे के तकरीबन हमारा बस है, ठीक है। कैंप से निकल चुके हैं, कैंप को 3 दिन के लिए अलविदा बोलते हैं। और देखिए ये गाड़ी से बात हो रही है बाता जाने के लिए, जहाँ से हम लोग का बस है, ठीक है। और ये हम चारों दोस्त हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। इस टैक्सी से निकलते हैं, उसके बाद रास्ते का सीन भी और वहाँ मक्का मदीना के भी मैं शेयर कराऊँगा आप सभी को, तो आप बने रहिए, आगे निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग टैक्सी से उतर गए, अब चलते हैं उस पार ओवरब्रिज से। तो देखिए ये कितना ट्रैफिक है, हम लोग ओवरब्रिज से उस पार जा रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेवल्स का दुकान उधर ही है, तो वहाँ से हम लोग एहराम भी लेंगे। और तो गाइज हम लोग टैक्सी से उतरने के बाद हम लोग ये मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। ट्रेवल के दुकान वाले के पास पहुँचेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा मार्केट है सऊदी और ये बाता का, रियाद का, ठीक है। ये पूरा दुकान है, ठीक है। ये मार्केट है यहाँ का, अच्छा वाला मार्केट। तो चलते हैं आगे, ठीक है। और देखिए ये पूरा गाड़ी लगा हुआ है और हम लोग चल रहे हैं आगे। वहाँ जाके फिर कितना टाइम पे अपना बस निकलेगा वो मैं आप सभी को बताऊंगा आगे। गाइज अपना ट्रेवल के पास पहुँच चुके हैं। ये देखिए जितना भी इधर पूरा बस लगा हुआ है, उमरा जियारत के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अपना आराम लेते हैं और आगे निकलते हैं माशाल्लाह। हम लोग बैठ गए हैं बस में अपना, जादे भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और ये साबिर भाई रहे, ठीक है ना, ये बैठे हुए 2 सीट ले करके, ठीक है। और ये हमारे दोस्त रहे सादिक भाई और एक और दोस्त है। तो चलते हैं आगे अपना सफ़र तय करते हैं, इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे 2:30-3 बजे के तकरीबन। हमारा बस रुक चुकी है, ठीक है, यहाँ नमाज पढ़ने के लिए सर का। तो हम लोग गाड़ी से उतर रहे हैं, जितना भी गाड़ी है उमरा वाली है, ठीक है, उमरा हज के लिए। यहाँ एक स्टॉपेज है, थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे ढाबा वाबा है खाना खाने के लिए, वकाला भी है और सब यहाँ मतलब छोटा सा बनाया है सब रुकने के लिए गाड़ी के लिए। और देख सकते हैं पीछे का भी सब बस लगा हुआ है, होटल भी सब कुछ, आदमी नाश्ता पानी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो पहला हमारा स्टॉपेज ख़त्म हुआ, असर का नमाज पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद हमारा अभी यहाँ से फिर से सफ़र चालू हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा था ये। तो अभी हम लोग सफ़र करते करते थक चुके हैं बैठे बैठे, तो यार बैठे बैठे तो यार थकेंगे क्योंकि उतना उठना है, बस बैठे रहना है। तो अभी तो शाम का टाइम हो गया, देखिए ये बाहर का सीन रहा, ठीक है ना। अभी 6 बजने वाला है तकरीबन, तो 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ रात हो जाएगी, तो फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। फिर से ये हमारा पड़ा दूसरा स्टॉपेज, तो अभी ईशा का नमाज़ पढ़ के
अभी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं चारों दोस्त। ठीक है, खाना खा के फिर बस में वापस चलना है। आधा घंटा का ब्रेक मिला है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अभी आ गए हम लोग बस में। ठीक है, यहाँ से फिर निकलते हैं। गाइस देखिए, हम लोग बैठ चुके हैं बस में। ठीक है, ये हमारा बस रहा और देख सकते हैं ये, तो चलते हैं अपने सफर की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, तो मैं पहुंच गया हूं। ये तैफ जगह है, यहां पे गोसुल करने के बाद हम लोग एहराम पहन चुके हैं और दो रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद अभी यहां खड़े हैं अपने बस के पास। तो हमारी बस अभी 5 मिनट के अंदर निकलेगी। तो यहां यार थोड़ा ठंडी भी लग रही है, रात को 12 बजे गोसुल करने के बाद ठंडी भी लग रही है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा है। फाइनली हम सब पहुँच गए यहाँ पर। तो देखिए, हम दोनों भाई लोग उतर गए हैं, उजाले भाई मेरे साथ है अभी। ठीक है, पूरे आदमी उतर रहे हैं अभी, दो दोस्त अंदर हैं तो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे शाबिर भाई भी आ गए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर, फिर मैं अंदर का, मैं होटल का अंदर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ आप सभी को। तो माशाल्लाह अभी दिल का सुकून मिला, अभी चलते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं, तो वहाँ से फिर मैं आप सभी को दिखाऊँगा। तो गाइज अभी दिल का सुकून मिला है क्योंकि हमारा होटल आ चुका है। हम लोग रिसेप्शन एरिया पर अपना चाबी ले रहे हैं, रूम का की ले रहे हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे और अपना बैग रखते हैं, क्योंकि आराम नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जो मकसद से आए हैं पहले वो होना चाहिए, उसके बाद ही आराम। देखिए हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। तो फाइनली अपने रूम के अंदर पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह अच्छा रूम है, तो एसी चालू करिए भाई, ठंडा लगे, थोड़ा गर्म रूम है। तो चलते हैं आगे, निकलते हैं। ठीक है, आराम भी सही कर लिए अपना और निकल रहे हैं। ठीक है, कमरे के लिए 10 मिनट लगेगा जाने में, तो लिफ्ट के पास आ रहे हैं, तो पूरा भाई लोग तैयार है, तो हम लोग निकलते हैं। يا شريك يا الله بيك
तो गाइज घूमना हो चुका मुकम्मल, तो हम सब आ गए रूम में, थक गए हैं तो अब चलते हैं थोड़ा नहा धो करके आराम करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ने चलेंगे जोर का मक्का में ही पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो अभी वीडियो को समाप्त करता हूँ।